जांजगीर चांपा जिले में गांधी पदयात्रा की शुरुआत पर जैजापुर के बसपा विधायक केशव चंद्र ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल गांधी पदयात्रा को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद विधायक ने इस मामले को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। विधायक चंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर काम करना प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की बात है। वह इस मामले में कलेक्टर जेपी पाठक कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि करौद में कलेक्टर ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। बसपा विधायक केशव चंद्र के सरकार पर भी मामले को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हाथ पर कांग्रेस के झंडे लेकर जाना कहां उचित है। गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन सरकार के इशारे पे केवल सरकार के लिए काम करना निश्चित रूप से प्रशासन के मुखिया के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जैसा कांग्रेस वाले उनके अपने झंडा को पंजा छाप लगे हुए झंडा को लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस दल के नेता लोगों को विचार करना चाहिए कि आप गांधी जी को केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं कि उनके विचार को जन जन तक जो है लेकर के जाना चाहते हैं। पर आरोप है कि आप हरी झंडी दिखा रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस का झंडा है। विधायक जी से पूछिए जी, आरोप के बारे में तो जो लगा रहा है उसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों का